अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी न्यूज अपडेट्स, प्रोजेक्ट न्यूज एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, आज हम आपको जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गुलबर्ग ग्रीन के ऊपर है, जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे मैडम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जगह पे जाके लोकेशन रिवील करने से पहले एक आपको प्री लॉन्चिंग, जैसे कि आपको पता है इस कि चल रही है, तो उसके ऊपर पहले वीडियो बना दी जाए, फिर लोकेशन के ऊपर भी हम नेक्स्ट इसका विजिट करके वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के बारे में। तो गुलबर्ग ग्रीन जो एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद जोन 5 के अंदर, IBCHS का ये प्रोजेक्ट है और CDA से अप्रूव शुदा है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी टोटल एरिया की, तो तकरीबन 1 लाख कनाल से भी ज़्यादा इसके पास एरिया है और मज़ीद लैंड एक्वायरिंग चल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए इसकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे बहुत ह्यूज डेवलपमेंट हुई है। एरिया गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशियल को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो गुलबर्ग ग्रीन इसका तकरीबन 90% डेवलप्ड है, जिसमें हाई रेजिडेंस प्रोजेक्ट, जिसमें फार्म हाउसेज, जिसमें बहुत सारे कमर्शियल अपार्टमेंट्स बिल्डिंग और बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं। फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखा जाए स्कूल यहाँ पे ग्लोबल स्कूल है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, रिफाइज यूनिवर्सिटी, तमाम की तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे आती जा रही हैं और बड़े ही अच्छे फूड के ब्रांड्स इम्तियाज़ इसके मेन आप मेन एंटर होते तो इम्तियाज़ है, जो कि बहुत बड़ा स्टोर है ग्रॉसरी का। उसके अलावा जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ चुकी हुई हैं फैसिलिटीज़ को भी देखा जाए तो। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए था इन्फॉर्मेशन, में कोई तारीफ़ें नहीं बांध रही यहाँ पे, जस्ट के जो सोसाइटी में न्यू लोग जो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ओवरऑल जो इसके थोड़े बहुत डेवलपमेंट के इश्यूज चल रहे हैं वो तो हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आने वालों के लिए गाइडलाइन है। एक अच्छी सोसाइटी है, डेवलप्ड सोसाइटी है, डिलीवर करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनमें भी खराबियां हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी जो बता रही हूँ वो इसकी न्यू डील के बारे में। न्यू डील की अगर बात की जाए तो ये न्यू डील एंशल में है। इसके रेजिडेंशियल का जो इसका ए ब्लॉक है और उसके साथ ए एग्जेक्टिव ब्लॉक है और ए एग्जेक्टिव का टू आया है, ए एग्जेक्टिव टू बेसिकली जो ब्लॉक लॉन्च हुआ है गुलबर्ग में, एक ब्लॉक लॉन्च हुआ है, कोई नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। एक ब्लॉक की जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्होंने सेल्स स्टार्ट की हैं और ये इसमें एक खास बात यह कि ये तमाम की तमाम डील जो है ये गुलबर्ग ग्रीन वालों ने स्टार मार्केटिंग को दी है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में ही स्टार मार्केटिंग ने ही इसको सेल किया था और स्टार मार्केटिंग ने काफ़ी अच्छा इसमें नाम बनाया अपना भी और बहुत अच्छी डिलीवरी भी दी। तो अगेन स्टार मार्केटिंग इसके साथ अटैच्ड है। लास्ट टाइम हमने एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव की बात की थी, तो एफ और ई एग्जेक्टिव की जो मैनेजमेंट थी वो एक कंपनी थी जो कि RJ ग्रीन, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और वो जो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, तो उनके इतना अच्छा फीडबैक मतलब लोगों को नहीं मिला, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्लॉट थे और साथ से टोटली कैश के ऊपर थे, तो उनसे वो चीज़ें मैच्योर नहीं हो सकी। तो ये न्यू लोग जो आते हैं वो फिर थोड़ा सा मतलब हमारे यही एक्सपेक्टेशन थी कि आउटसोर्स लोग जो हैं वो आएंगे तो कुछ अच्छा काम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन ये आए थे तो उनसे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं डिलीवरी। लेकिन अब बात की जाए इसकी जो एफ एग्जेक्टिव टू की, तो इसको स्टार मार्केटिंग देख रहा है, क्योंकि स्टार मार्केटिंग डे फर्स्ट से गुलबर्ग ग्रीन के साथ अटैच था और उसको बिल्कुल प्रॉपरली उसको हावनाव थी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और किस तरह से काम करना है। और वो एक प्रोफेशनल लोग हैं, स्टार मार्केटिंग का एक नाम है, वो कभी भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में जाके अपना हाथ नहीं डालते जहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो। तो राइट नाउ ये बात है गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो एफ एग्जेक्टिव टू लॉन्च हुआ है, ये जी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। इसकी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस अभी चल रही हैं जो कि कुछ दिनों के लिए हैं, और प्री लॉन्चिंग पे आप बुकिंग कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और इंस्टॉलमेंट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर। सो अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की, तो प्राइसेस से पहले आपको साइजेस बता दूं। यहाँ पे रेजिडेंशियल में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स की जो अवेलेबिलिटी है, ये 3 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट्स के साथ हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ 5 मरला की टोटल प्राइस की, तो वो 50 लाख रुपये है। अगर 7 मरला की बात करूँ तो वो 70 लाख रुपए है, और 10 मरला की जो है 82 लाख रुपए, और 1 कनाल की तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख रुपए। उसके अलावा जो 2 कनाल की प्राइस की बात है वो है 2 करोड़ 75 लाख रुपए। ये तो अभी जो न्यू प्लान आया है ये इसके प्राइसेस हैं,
और ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। लाइक अगर बात करें 5 मरला की डाउन पेमेंट की, तो वो 5 लाख रुपए, 7 मरला की 7 लाख रुपए, और 8-10 मरला की 8 लाख समथिंग है। तो ओवरऑल इंस्टॉलमेंट प्लान मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ। बेसिकली मेरा काम था आपको इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा आइडिया देना कि ये कितने टोटल इसकी कॉस्ट है। अब क्योंकि थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन से ही पता चलेगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे इस टाइम पे जो इनका 5 मरला है वो आपको मिल रहा है 50 लाख रुपए में। लेकिन 5 मरला में मेरे ख्याल से 50 लाख में आपको नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे अगर 5 मरला पे ही जाना है तो आप लोग जाएं जी डबल ए ब्लॉक में, क्योंकि अभी इसकी भी पोजीशन नहीं है और इसके में भी टाइम है और डबल ए ब्लॉक में भी टाइम है। तो वो तकरीबन आपको 24 से तकरीबन 28 और 32 लाख तक 3 प्राइसेस हैं उसकी, लोकेशन वाइज जो आपको 5 मरला वहाँ मिल जाता है। तो 5 मरला को तो यहाँ से निकाल देते हैं। जो प्रॉपर्टी एक्सपो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है हमेशा, इसीलिए आपके लिए बेहतर जो होता है वो गाइड करता है अगर आप गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं। सेकेंडली अगर बात की जाए 7 मरला की, तो 7 मरला और 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल की जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 7 मरला की यहाँ बात की जाए तो ये तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट पे अभी ऑफर कर रहे हैं ये 70 लाख रुपए का कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस टाइम पे अभी डेवलप पोजेशन की बात की जाए गुलबर्ग ग्रीन में, तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक आपको 7 मरला मिलता है। 3 साल के बाद डेवलप पोजीशन की क्या प्राइस होगी, और ये जो डेवलप जब ये नॉन डेवलप जो है अभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको इजी मिल रहे हैं, ये जब डेवलप हो जाएंगे तो इसकी प्राइस भी कहाँ जाके मीट करेगी, ये आपको खुद ही आइडिया है। क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन की लोकेशन इसकी सीडीए में है ये, और डेवलप सोसाइटी है, फैसिलिटीज भी हैं। तो अगर इसकी पोजीशन वगैरह टाइमली ये दे देते हैं और डेवलप कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल गुलबर्ग के अंदर जो थोड़ी सी सिचुएशन चल रही है पोजीशन की, वो देखिए मैं खुद से नहीं कहती लेकिन सुनने में आया है कि गुलबर्ग ग्रीन जो है इसको डिलीवर करेगा विद इन अपकमिंग जो 3 से 4 साल जो आएंगे उनके अंदर इनकी डिलीवरी का काफ़ी मूड है, जो कि मीटिंग्स वगैरह चीज़ें वगैरह चल रही होती है इंटरनल, लेकिन अभी तक किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा। लेकिन ये जो सुनने में आई है मैं अभी आपको उतना ही बता रही हूँ। बट ओवरऑल राइट नाउ अगर बात की जाए तो 20 से 25 ब्लॉक जो हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के, उसके अंदर पार्शली डेवलपमेंट के इशू डेफिनेटली हैं। वो उनको मेरे बस में तो है नहीं, मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ, पहले भी उठाती रही हूँ, अब भी उठाती रहूँगी कि उसको डेवलपमेंट करनी चाहिए। लेकिन देखें ये जो अपॉर्चुनिटी आई है आपके साथ शेयर करने का, कतई ये मकसद नहीं था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ही करें। देखें बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को इशू नहीं होता कि कब पोजीशन मिले। देखें पोजीशन सारों को मिलनी है, जिन लोगों को प्लॉट सेल हुए हैं यहाँ से ये बात तो आप भूल जाएं कि आपको प्लॉट नहीं मिलने मिलने हैं। ये नहीं कि ये कोई मैं नहीं बता सकता कि जो ऑलरेडी इफेक्टिव हैं उनको कब मिलेंगे, बट यहाँ पे ये ज़रूर आपको श्योरिटी देती हूँ कि प्लॉट्स ज़रूर मिलेंगे। बट टाइमलाइन कोई नहीं है क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है और सोसाइटी की तरफ से हमें कोई ऐसी अपडेट्स नहीं मिली। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम और अच्छी सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट सिस्टम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आपके पास बहुत कम ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत महंगी हो चुकी हैं। DHA पार्कव्यू है, बहरिया इनक्लेव है, पार्क इनक्लेव है, यहाँ पे इस टाइम पे करोड़ों में प्लॉट्स जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो गुलबर्ग ग्रीन इस टाइम पे थोड़ा सा रीजनेबल इसलिए भी है कि थोड़ा सा पार्शली जो इनकी डेवलप डिलीवरी की वजह से भी। तो राइट नो ये टाइम अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा वेट भी है। जो फोरी यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, रिहाइश पे सीख करना चाहते हैं, वो तो डेवलप पोजिशन महंगी इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाएँ, ये सजेशन है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि ब्लॉक के ऊपर जो न्यू डील थी, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे लोकेशन के ऊपर और डेवलपमेंट अपडेट भी देंगे गुलबर्ग की, और वहाँ पे F-22 जो इन्होंने बताई है लोकेशन उस पर जाके देखेंगे कि वहाँ पे लैंड वगैरह और ओवरऑल है या क्या है सिचुएशन। ओवरऑल जाके विजिट करेंगे और देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जल्द से जल्द ये वीडियो पहुँचाने का मकसद जो था वो यही था कि प्री लॉन्चिंग पे जो लोग गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बाकी मज़ीद डिटेल और उसके लिए जो कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके कांटेक्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी बुकिंग हमसे भी आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, कुर्ती लाइन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।